हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और होम स्टाइल कुकिंग में फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं अमृतसरी पिंडी छोले की रेसिपी। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो अमृतसरी पिंडी छोले की रेसिपी देखने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप चिक पीस यानी के छोले रात भर भिगो के रखे थे। एकदम अच्छे से छोले अपने भीग गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक पोटली तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे एक कॉटन का मैंने मलमल का कपड़ा लिया है, उसमें मैं डालूँगी एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दो दालचीनी के टुकड़े और 4 से 5 लौंग। और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चाय पत्ती। और अब इसकी मैं एक पोटली तैयार कर देती हूँ। ये देखिए, ऐसे मैंने एक पोटली तैयार की है। अगर आपको इसमें खुली चाय पत्ती नहीं डालनी है तो आपके पास अगर टी बैग्स है तो वो भी इसमें आप 2 टी बैग्स डाल सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैं ये सारे छोले डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें 2 से 2.5 कप पानी डाल दूंगी। और अब इसमें ये अपनी पोटली डाल देती हूँ मैं। साथ ही मैं डालूंगी इसमें 2 तेज पत्ते और 1/2 टीस्पून नमक। और अब कुकर का ढक्कन बंद करके मैं इसको 6 से 7 सीटी निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक अपने कुकर में छोले पक रहे हैं तब तक हमें एक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे मसाले जाते हैं, इसके लिए जो ड्राई मसाले हम इसमें डालने वाले हैं वो मैं अभी से एक साथ करके रखती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, उसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये लाल मिर्च का पाउडर तीखा वाला है, इसीलिए मैं इसके साथ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देती हूँ। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अपने छोलों को अच्छा कलर देगा। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धना पाउडर, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून अनारदाने का पाउडर। यहाँ पे मैंने अनारदाने को थोड़े से रोस्ट करके फिर उसका पाउडर बनाया। और अब लास्ट में इसमें जाएगा कसूरी मेथी का पाउडर। तो ये भी मैंने कसूरी मेथी जो होती है उसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके लिया और उसका पाउडर बना दिया है। और ये सब मसाले में मिक्स करके रखती हूँ। ये सब हम अलग अलग डालने जाएंगे, उससे अच्छा मैंने ये एक साथ ही करके रखे है। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना कुकर ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे खोल के देखेंगे। ये हमने जो पोटली डाली थी उसके वजह से छोलों का कलर कैसे ब्लैक हो गया है। और जो अमृतसरी पिंडी छोले होते हैं उनका कलर ब्लैक ही होता है। तो पहले मैं इनको चेक करके देखती हूँ। तो ये देखिए, एकदम इजीली ये मैश हो रही है। ये देखिए, तो ये एकदम परफेक्ट कुक हो गए। तो अब मैं इसमें से ये पोटली और ये जो तेज पत्ते है वो निकाल देती हूँ, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है। उसमें अब मैं डालूंगी 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 हरी मिर्च के टुकड़े और 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको पहले मैं अच्छे से भून लेती हूँ। इसमें हम कोई खड़े मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि जो भी खड़े मसाले का टेस्ट इसको हमें देना था वो हमने छोले जब बॉईल किए उसमें आ गया है। अदरक लहसुन हल्का सा रोस्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज, मैंने एकदम फाइन चॉप करके लिए है। प्याज को मैं अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे अपने प्याज का कलर जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पीस के लिए है। तो अब ये टमाटर के पेस्ट को भी मैं प्याज के साथ अच्छे से भून लूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे अपने टमाटर भी प्याज के साथ अच्छे से भून गए हैं, क्योंकि उसमें से ऑयल अलग होना स्टार्ट हो गया है। मतलब कि अपने प्याज
के साथ टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये जो हमने मसाला तैयार किया था वो। तो उसमें मैं हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल दिए। तो ये मसालों को फिर से एक बार मैं मिक्स कर देती हूँ और अब ये मसाला जाएगा अपना कढ़ाई में। तो ये मसालों को भी मैं प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, ये मसालों का अपना जो भी कच्चापन है वो निकल जाए, इसके लिए मैं इसमें एक दो चम्मच जितना पानी डाल देती हूँ। और अब मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन रख के एक दो मिनट तक इनको अच्छे से पकने दूंगी। तो यहाँ पे एक दो मिनट के बाद ये देखिए पूरा ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब अपने मसाले जो है वो अच्छे से भून गए हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि कोई भी रेसिपी में आप मसाले जितने अच्छे से भूनोगे उतना ही अच्छा वो डिश में टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अपने मसाले अच्छे से एकदम भून गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी हमने जो छोले बॉईल करके रखे थे वो, लेकिन मैं छोले इसमें से छान के डालूँगी, पानी अभी इसमें मैं नहीं डालूँगी। तो अब ये छोलों को भी मसालों में मैं एक दो मिनट तक अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पे छोलों को मैंने दो मिनट तक अच्छे से मसालों में भून लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये जो अपना छोलों का पानी है वो। तो पानी आपको इसमें जितना चाहिए उतना ही डाल दीजिए, और अगर आपके पास जो छोलों का पानी है वो कम पड़ गया तो आप नॉर्मल पानी भी इसमें डाल सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से थोड़े से छोले में ऐसे चम्मच से ही मैश कर देती हूँ। एक 1/4 छोले इसमें से मैं मैश कर देती हूँ, क्योंकि यही तो मज़ा होता है पिंडी छोलों का। तो इसमें हमने थोड़े से छोले जो मैश किए उसके वजह से इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये देखिए एकदम बढ़िया सी कंसिस्टेंसी आ जाती है इसको। और अमृतसरी पिंडी छोले जो होते हैं वो ऐसे ही होते, आधे ही चने उसमें दिखते हैं, बाकी मैश कर देते। तो अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल देती हूँ और अब मिक्स करके इसे मैं फिर से एक बार ढक के एकदम स्लो गैस पे 3 से 4 मिनट ऐसे ही धीमी आंच पे पकने दूंगी। तो वैसे तो छोले अपने पके हुए हैं, लेकिन ऐसा करने से अपने छोले है उसके अंदर तक मसाले का स्वाद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे अपने छोले एकदम परफेक्ट हो गए हैं। तो छोले तो अपने बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी रेसिपी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये अमृतसरी पिंडी छोले है। जब तक इसको घी का तड़का नहीं लगेगा तब तक ये रेसिपी कंप्लीट कैसे होगी। तो चलिए अब हम इसके लिए एक तड़का बना देते हैं। तो फ्रेंड्स तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन गैस पे रखा है और उसमें मैं 2 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ। तो जैसे अपना घी गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूँगी ये 3-4 लहसुन को मैंने ऐसे स्लाइस में कट करके रखा था, और 3 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच में कट लगा दिया है, और इसको मैं हल्का सा सॉटे कर देती हूँ। एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है लहसुन को हमें, तो ये लहसुन का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है ये छोलों के साथ। तो यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम अब बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं पहले ठंडा होने देती हूँ। और अब ये तड़का हल्का सा अपना ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूँगी ये 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। तो ये पाउडर डालने से ये छोलों में बहुत ही अच्छा कलर आता है। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और अब इसको मैं मिक्स कर देती हूँ और अब ये तड़का जाएगा अपने छोलों के ऊपर। तो यहाँ पे ये छोले मैंने सर्विंग बोल में निकाल दिए, तो उसके ऊपर ही अपना तड़का जो हमने बनाया है वो डाल देती हूँ मैं। और इसको मैं थोड़ा सा, ये मैंने अदरक के जूलियंस कट करके रखे थे उससे गार्निश कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब जाके यहाँ पे अपनी अमृतसरी पिंडी छोलों की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। तो आप देख ही सकते हो ये कितनी एकदम बढ़िया दिख रही है। तो फ्रेंड्स आप ये अमृतसरी पिंडी छोलों को पराठे के साथ, या तो फिर लच्छा पराठा होता है,
या तो फिर कुलचा होता है उसके साथ भी खा सकते हो, या तो फिर आप सिंपल पूड़ी के साथ भी खा सकते हो, और जीरा राइस के साथ भी ये बहुत बढ़िया लगते हैं। तो आप ये मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू।